सीजन टू का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सीजन वन के साथ सीजन टू का कोई कनेक्शन रहे, तो यहाँ भी वैसी कोई कनेक्शन है नहीं। इसे तुम एक नए ड्रामा के हिसाब से भी ले सकते हो। सीजन टू शायद इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सीजन वन के कुछ कैरेक्टर्स का नाम सीजन वन के हिसाब से ही रखा गया है और उनका रिलेशन भी काफी हद तक सेम रखा गया है, जैसे हन न्यान, हन के दादाजी, हन का भाई 97, ये लड़का, इनके बीच का रिश्ता भी एक ही रखा गया है। पर हमारी सीजन टू का फीमेल लीड जो होती है, जिसका नाम आयशी रखा गया है, वो सीजन वन की आयशी नहीं होती है। ये एकदम नई कैरेक्टर है और ये वाली आयशी इनका जाना पहचाना नहीं होती। इसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम भी सोलो रखा गया है, पर यहाँ पर सोलो को भी चेंज कर दिया गया होता है और आयशी के साथ इसकी कहानी भी अलग होती है। सीजन वन पे हन के क्लब का नाम था के एंड के, पर यहाँ पे हन का भाई क्लब का लीडर होता है, जिसके टीम का नाम होता है डीटी। और सीजन टू का मेल लीड हन नहीं बल्कि उसका भाई होता है, तो अभी हमें उसके नाम से ही उसे जानना होगा। हन के भाई से और काम नहीं चलेगा। तो हमारे मेल लीड का नाम होता है उबेई। उबेई यहाँ भी आयशी का दीवाना होता है। पिछले 7 सालों से वो उसे प्यार करता आया था। यहाँ भी आयशी उसकी सीनियर होती है। उसका ये प्रोफेशन चुनना आयशी से इंस्पायर होके ही था और उबेई का सपना था वो ऑडियंस बनके नहीं बल्कि एक दिन आयशी के साथ कम्पीट करे। आज इतने सालों बाद उसका ये सपना पूरा होने जा रहा था। कंपटीशन के लिए उबेई तो पहुंच जाता है पर आयशी अभी तक पहुंची नहीं होती। ये सुनने के बाद उबेई दौड़ के आयशी को लेने के लिए जाने लगता है। मतलब आयशी के ना आने से वो कंपटीशन अपने आप ही जीत जाता, पर उसे ऐसे नहीं जीतना था, उसे आयशी के साथ कम्पीट करना था। उस तरफ बारिश होने की वजह से रोड जाम हो जाती है। आयशी को देर हो रही थी इसलिए वो टूटे हुए बैग को सेलोटेप से लगा के बारिश में भीगते हुए दौड़ने लगती है। ऐसे में एक आदमी के साथ धक्का लग के उसके हाथों से बैग गिर जाता है और उसके अंदर का रिमोट ड्रेन में गिर जाती है। वो बहुत कोशिश करती है उसमें से उठाने की पर उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। तभी उबेई छाता लेके उसके पास आके खड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं उबेई आयशी को लेके सेंटर पहुंच जाता है। उबेई 97 को टावल लाने भेजता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। 97 टावल लेके आता है और उबेई के इशारे पे वो टावल आयशी को देता है। उबेई के जूते पे सेलोटेप लगा हुआ था, उसे ही हटाने के लिए वो नीचे झुकता है, पर आयशी को लगता है वो उसे सर पोंछ देने के लिए कह रहा है, इसीलिए वो उसका सर पोंछने लगती है। 97 वाज लाइक है ये क्या हो रहा है। उबेई भी हैरान हो जाता है। फिर वो आयशी को सेलोटेप दिखाता है तो आयशी वाज लाइक ओह नो, ये मैं क्या कर रही थी। अगले सीन में कंपटीशन शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में उबेई तो आयशी में ही खोया रहता है। वो आयशी के साथ एक ही स्टेज पे कम्पीट कर रहा था, यही बात उसे प्राउड फील करवा रही थी। आयशी आराम से खेल रही होती है। फिर उबेई अपने होश में आता है और आयशी के साथ पूरे दम से लड़ने लगता है। कभी आयशी जीतने लगती है तो कभी उबेई, फिर आखिर में उबेई ही जीतता है। आयशी उबेई को अप्रिशिएट करती है और उसे नेक्स्ट कंपटीशन में चाइना का नाम करने के लिए कहती है। बाद में आयशी इससे उबेई के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती है। वो उसे उबेई का टीम ज्वाइन करने की सजेशन देता है। आयशी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो सोच रही थी क्या उबेई राजी होगा। आयशी भी नेक्स्ट कंपटीशन में भाग लेने के बारे में सोचती है। जाते वक्त आयशी उबेई के बारे में ही सोचते हुए जाने लगती है। उबेई आयशी को ढूंढते हुए बाहर आता है पर वो उसे आसपास कहीं नहीं देख पाता। 2 महीने बाद आयशी सिंगापुर आ जाती है कंपटीशन के लिए। होटल पहुंच के आयशी इसे फोन करती है तो वो उसे रूम नंबर बताता है। आयशी जब दरवाजे की घंटी बजाती है तब उबेई इस तरह से आके दरवाजा खोलता है। वो सब अपनी कंट्री की तरफ से खेलने आए होते हैं, इसीलिए सब एक ही रूम में रुकने वाले होते हैं। 97 उबेई को ऐसे देख के आयशी के सामने उसे एम्बेरेस्ड करने के लिए उसका टॉवल खोल देता है, पर एट द एंड वही एम्बेरेस्ड हो जाता है। उबेई बहुत खुश था आयशी के इतने करीब रह पाने की वजह से। आयशी पिछली वाली कंपटीशन हार गई थी इसीलिए उसके फैंस उससे डिसअपॉइंट थे और इस वजह से उसका मूड भी थोड़ा ऑफ हो जाता है। बाद में वो हवा खाने यहाँ चली आती है। 2 बिल्ली को देख के वो कहने लगती है क्या वो दोनों भाई बहन है या फिर कपिल। तब उबेई पीछे से कहता है कपिल। इसी टॉपिक को लेके उनके बीच बात होने लगती है। आयशी उस बिल्ली के पास आके उससे बात करने लगती है। फिर उबेई आके सिखाने लगता है किस तरह से बिल्लियों को कंफर्ट किया जाता है। वो फिर से आयशी में खो जाता है। फिर वो जब आयशी को बिल्ली पकड़ने देता है तब वो बिल्ली उसके हाथ से छूट के भाग जाती है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। उबेई उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर उसके आंखों के सामने
में सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। एक्चुअली उबे के आंखों में प्रॉब्लम होने की वजह से उसे सर्जरी की जरूरत थी, पर क्योंकि ये सर्जरी बहुत क्रिटिकल थी जिस वजह से वो आगे जाके शायद ना भी देख पाए, बस इसीलिए वो ये सर्जरी नहीं करवा रहा था। पर सर्जरी ना होने की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ रही थी। आयशी को उठाते वक्त वो खुद ही उस पर गिर जाता है। आयशी के पूछने पे वो कॉम्पिटिशन के लिए नर्वस होने का रीजन बताता है। कॉम्पिटिशन से पहले रिलैक्स होने के लिए उबे उसे गन शूटिंग पे जाने का ऑफर देता है। फिर सुबह दोनों यहाँ आ जाते हैं। पहले आयशी शूट करती है और काफी अच्छा करती है। फिर उबे की बारी आती है। आयशी उसे देख के दिन ब दिन इम्प्रेस होते जा रही थी। उबे को फिर से आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर थोड़ा टाइम लेके वो कंप्लीट करता है और रिजल्ट में आयशी ही जीतती है। बाद में वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए चलते चलते बात करने लगते हैं। फिर उबे उसे यहाँ लेके आता है मस्ती करने के लिए। आयशी फिर से इम्प्रेस होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं, पहले राउंड में आयशी को खेलना होता है जिसमें वही जीतती है। सेकेंड और थर्ड राउंड उबे को खेलना पड़ता है जिसमें उबे ही जीतता है। इस खुशी को वो सब मिलके सेलिब्रेट करने लगते हैं। बाद में हन उबे को सर्जरी करने के लिए प्रेशर डालने लगता है। 97 उसके आंखों के बारे में जान के परेशान होने लगता है। उबे उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त उबे का नजर आयशी पर ही होती है और वो बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहा होता है। आयशी को डिजर्ट लेते देख वो भी लेता है। 97 कहता है उसे लगा था वो डिजर्ट नहीं खाता है। उबे कहता है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आयशी अपने कलीग से उबे के बारे में बता रही होती है, उसकी तारीफ कर रही होती है। ऐसे में सीजन 2 का सोलो आ जाता है और वो आयशी के साथ अलग से यूं ही बात करना चाहता है और बस उबे का अच्छा खासा मूड बिगड़ जाता है। वो खाने का प्लेट वही छोड़ के जाने लगता है। सोलो आयशी से पास्ट की बातें भूल के उसके टीम में फिर से ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर आयशी को उसके साथ किसी भी बहाने जुड़ना नहीं था। सोलो उसे घर पहुंच के फोन करने के लिए कहता है, पर आयशी तो उसका नंबर भी डिलीट कर दिया होता है। आयशी सोलो से पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी थी। अगले सीन में दिखाते हैं फाइनल राउंड में उबे खेल रहा होता है। उसका ऑपोजिट टीम काफी स्ट्रांग होती है और ऊपर से उसकी आंखों का प्रॉब्लम, दोनों मिला के वो ऑलमोस्ट हारने वाला होता है। कॉम्पिटिशन खत्म होने में बस कुछ ही सेकेंड बाकी रह गए होते हैं। तभी उबे को आयशी का टेक्निक याद आती है। फिर वो उस टेक्निक को फॉलो करके आखिर में चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लेता है। आयशी भी बहुत खुश होती है उबे के लिए। उबे को भी आयशी को खुश देख के बड़ा सुकून मिलता है। आयशी उसे अपनी टोपी पहना देती है। वैसे टोपी तो उबे की ही थी, पर वो आयशी को पहनाते हुए कहा था जब वो जीत जाएगा तो वो अपने हाथों से उसे वो टोपी पहना दे। मेडल लेते वक्त आयशी को भी कल का जीता हुआ मेडल पहनने के लिए कहा जाता है, पर वो रूम में ही भूल के आई होती है। तब उबे उसे अपना वाला मेडल पहना देता है। आयशी कहती है लास्ट मूव उसका सिखाया हुआ था तो उसे अपनी ट्यूशन का कीमत चाहिए। उबे पूछता है उसे क्या चाहिए। आयशी कहती है अभी उसने कुछ सोचा नहीं है, टाइम आने पे वो मांग लेगी, वो बस अपना कर्ज याद रखे। फिर सब साथ में मिलके अपनी कंट्री का फ्लैग ऐसे पकड़ के रखते हैं। अगले दिन सुबह 97 आयशी को उसके फेवरेट बैंड का टिकट देने आता है और कहता है ये किसकी तरफ से है वो उसे वहाँ पे जाने पे पता चलेगा। उबे आयशी के लिए आइसक्रीम लेके आया होता है। वो उसकी तरफ जाने ही लगता है कि तभी फिर से उसके आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है और जब तक वो ठीक होता है तब तक आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल चुकी होती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। आयशी उसे पीछे से सा देख पाती है पर वो क्लियर नहीं थी। अगले सीन में हम हन को देखते हैं जो उबे के लिए हॉस्पिटल इंतजार कर रहा होता है। उबे के आते ही हन गुस्से से फटने लगता है क्योंकि उबे उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था और ऊपर से बैग भी नहीं किया था। वो अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उबे कहता है वो जल्द से जल्द सर्जरी करना चाहता है। हन कहता है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। 97 उबे के कहने पे आयशी को उस दिन के ड्रेन में गिरी हुई रिमोट को देने आता है जो कि उबे ने बाद में ड्रेन से उठा के अपने हाथों से उसे रिपेयर किया होता है। आयशी को कॉम्पिटिशन वाली दिन याद आने लगती है जब उसका बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। उबे तब अपने से एक रिमोट सेटिंग करके आयशी को खेलने के लिए दिया था। आयशी फिर से इम्प्रेस होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं उबे का ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खोली जाती है पर उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। हन कहता है उनके पास अभी भी दूसरी सर्जरी का ऑप्शन है, उसके होते ही वो फिर से ठीक से देख पाएगा। पर डॉक्टर कहते हैं अगर दूसरी सर्जरी होती है तो हो सकता है वो पूरी तरह से अंधा हो जाए। उबे अपनी
सारी उम्मीद खो बैठा था। उसे इस बात की चिंता होने लगी थी कि शायद वो आयशी को फिर कभी अपने आंखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए वो आयशी को देखने के लिए उसके घर के पास आ जाता है। वो आयशी को दूर से देखने लगता है।